चलिए जल्दी से आज हम लोग जो है आम पना बनाते हैं। कच्चा आम भी मिल गया, पुदीना भी मिल गया, तो क्यों ना आम पना बनाए। चलिए इन्हें मैं उबाल लेती हूँ थोड़े से नमक के साथ, और इन्हें मैं पुदीना को सारे पुदीना निकालूँ और उसके बाद एक फाइन पेस्ट बनाऊँगी। इन सब तैयारियों के बाद मैं मिलती हूँ। ये देखिए आम को मैंने पका लिया है और अब मैं इसको छीलूँगी। चलिए पानी ले लेते पहले। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लगभग एक कप पानी है, मैं पानी और मिला रही हूँ। लगभग दो कप मैंने पानी और मिलाया और इसी में ही मैं सारे आम को भी मस लूँगी। ये थोड़ा सा हल्का सा गुठली, बहुत इसका सॉफ्ट है, तो इस गुठली को पहले निकाल लेते हैं। इन्हें निकाल ले। और एक और चीज़ मैं दिखा देना चाहती हूँ, इन छिलकों को भी मत फेंके, इसको भी मसल के निकाल ले, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे आम लगे हुए हैं। चलिए इस समय बस कुछ नहीं करना है, पानी में घोल बनाना है। आप लोग देख लीजिए ये पुदीना का पेस्ट है, ने बस मैंने थोड़े से पानी के संग पीसा है और इसे भी मैं आम के मिक्सचर में मिला दूंगी। चलिए आप इसमें मैं काला नमक मिलाऊंगी लगभग एक चम्मच। यहाँ पे मेरा तीन से चार कप पानी है, तो उस हिसाब से मैं काला नमक मिला रही हूँ। और ये भुना हुआ रोस्टेड ज़ीरा है जो घर का है, बस थोड़ा सा रोस्ट करके मैंने इसको पीसा है। ये मैं दो चम्मच मिलाऊंगी और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। ये देखिए कितना मैंने नमक लिया, सफ़ेद नमक थोड़ा सा मिला दे। और इस समय इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी और टेस्ट करके देख ले कि इसमें क्या ज़रूरत है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है। ज़्यादा हो तो कुछ किया नहीं जाता, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा संभल कर डालें। फिलहाल इन्हें छान लेते हैं। अब जो है आप लोग देख लीजिए छन चुका है, इसका जो मिक्सचर है इसको फेंके नहीं। ये आपकी कोई चटनी में, अगर आप चटनी बना रहे हो, कोई सब्जी बना रहे हो, तो उसमें भी इसको आप डाल सकते हो, बहुत अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होगी। खैर मैं इसका जितना हो सकेगा मैं इसका पल्प ले रही हूँ। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, लगती है कि यकीन मानिए इसको अगर कोड़ा और आलू की सब्ज़ी बना रहे, यानी कि कद्दू और आलू की सब्ज़ी बना रहे, तो उसमें भी डाल दीजिए। ये बेहद अपना रंग लाएगा, टेस्ट के संग संग रंग भी लाएगा। और मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इन्हें थोड़ा सा ठंडा करके और उसके बाद मैं आप लोग के लिए सर्व करूँगी। ये रहा आप लोग के लिए आम पना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी दूसरी रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय।